नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुबट फिर से हाजिर हूं आप लोगों के साथ अपना एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपनी परचेज की एंट्री टैली के अंदर कर सकते हैं। टैली के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री कैसे की जाएगी, मेरे इस वीडियो का यही टॉपिक है। दोस्तों, इससे पहले कि आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं अपने वीडियोस जो नए भी अपलोड करता हूँ वो आपके पास सीधे के सीधे नोटिफिकेशंस में आ जाते हैं। उससे आपको पता रहेगा कि क्या अपडेट है क्या नहीं अपडेट है, तो वे सारे के सारे वीडियोज आपके पास आते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। हमारा यह टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या है ये क्या है कि देखिए, इससे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता था सिर्फ सर्विस टैक्स के अंदर, रिवर्स चार्ज सर्विस टैक्स। तो रिवर्स चार्ज सर्विस टैक्स क्या होता था, जब सर्विस प्रोवाइडर की टैक्स की लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ना पड़ के सर्विस रिसीवर के ऊपर वह टैक्स लायबिलिटी पड़ जाए तो उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर रिवर्स चार्ज सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इससे पहले सिर्फ सर्विस टैक्स में था, अब ये आ गया है जीएसटी के अंदर। ये सारी चीजें मर्ज हो के सबका एक नया टैक्स बना जीएसटी, और उसके अंदर यह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं, जो भी आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं, वो उस गुड्स के ऊपर जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा उस टैक्स को भरना मतलब कंपनी की लायबिलिटी है जो उस गुड्स को खरीद रहा है, जो उस गुड्स को खरीद रहा है अनरजिस्टर्ड डीलर से, उसके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी है वो उस कंपनी की है जो उससे माल खरीद रही है, सीधे सीधे यह मतलब। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अलग से वाउचर टाइप क्रिएट कर लें, ये मेरा सजेशन है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप स्टैटिस्टिक्स में जाके देखेंगे ना तो आपकी सारी की सारी रिवर्स चार्ज की एंट्रियां एक साथ मिलेंगी। अगर आप एक ही कॉमन परचेज का लेजर बनाएंगे, वो वाउचर टाइप बनाएंगे, तो उस सारी की सारी परचेज उसी में घुस जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या है। आप उसके ऊपर अलग से क्वेरीज डाल के आप चेक करोगे तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं तो ये कहूंगा कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक अलग वाउचर टाइप बना के चले, जो कि ऑटोमेटिक मोड में आपकी सारी की सारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्रियों को कलेक्ट करके एक जगह दे देगा। तो अब अपने आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, हम जाएंगे वाउचर टाइप के अंदर। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो के अंदर मैंने वाउचर टाइप ऑलरेडी बना रखी है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ पे वाउचर टाइप बनाई हुई है आरसीएम परचेज। ये देखिए, यहाँ पे आप भी ऐसे ही बना सकते हो, RCM परचेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म परचेज। तो आप यहां पे जाएंगे, इसको जैसे डिफाइन करना है वो हम आपको बताएं। एब्रीविएशन परचेज के अंदर ये खुलेगी, यहाँ पे इसके वाउचर नंबरिंग का सेटअप हम कर देंगे। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरह का वाउचर नंबरिंग, स्टार्ट फ्रॉम 1, इसकी विड्थ 4 और इसकी प्रीफिल 0, यस 1/4/2017 से, और यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट 1 इस तरीके से। ऐसे ही प्रीफिक्स का सेटअप करेंगे और यहाँ पे आरसीएम ऐसे डाल देंगे।
क्योंकि मैंने पहले से बना रखी थी, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे एजीटी जिसको खोल दिया। आपको यह नई क्रिएट करनी चाहिए। अब एंट्री पे आते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बिल्कुल सबसे पहले हम परचेज के अंदर जाएंगे। देखिए जी परचेज, और यहाँ पे ये देखिए आप परचेज के अंदर जाएंगे और मैंने RCM परचेज जो किया है उसको सेलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी तीन एंट्रियां करके देखी थी तो इसलिए वो यहाँ पे उसको लेके चल रहा है। तो मैंने वो एंट्रियां हटा दी थी तो इसलिए यहाँ पे 4 लेके चल रहा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ओवरराइडेबल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे, एक जो भी परचेज की डेट है। और पहला एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, कैश कैश परचेज। सीधा हम कैश का यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछता है कि आपका रजिस्ट्री जो जिससे आप कैश परचेज कर रहे हो उस पार्टी वे रजिस्टर्ड है, रेगुलर है, कंज्यूमर है, क्या है। तो आप वहां पे उसको अनरजिस्टर्ड करेंगे अगर आपने उसे RCM में डाला है। तो आप यहाँ पे लेंगे परचेज लोकल। परचेज लोकल की वाउचर टाइप मैंने कैसे डिफाइन किए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा कंट्रोल प्लस, ये देखिए RCM परचेज लोकल मैंने यहाँ पे दिखा और इसे परचेज के अंदर मैंने खोला है। ये इन्वेंटरी वैल्यू सेटअप यस, जीएसटी वैल्यू यस, ये लोकल यहाँ पे यस 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 यस। यहाँ पे क्योंकि कॉमन परचेज का लेजर है इसलिए टैरिफ रहने दे। यहाँ पे लिखा देखिए अगर आपकी लोकल परचेज है तो आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेस। अगर आपकी लोकल पर ये सेंट्रल परचेज है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। तो मैं यहाँ पे लोकल के उस पर आया हूँ तो इसलिए मैंने इसको लिया। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 18%। इस तरीके से मेरी एंट्री हो गई या परचेज। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक आइटम भी बना दिया। मैं एक और अलग से आइटम बना के दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको लिखा RM2 मीन्स रॉ मेटेरियल 2। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कैटेगरी बनाई हुई है RM रॉ मेटेरियल्स की, आप भी चाहो तो वहां पे बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने GST यहाँ पे मैं अपने इस गुड्स का टैरिफ दूंगा क्योंकि यह मेरे आइटम है। आइटम के अंदर आपको टैरिफ डालना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डाला 40, 66, 90, 99, 90 और इसको कर दिया टैक्स ऑन वैल्यू यस और टैक्सेबल यस और इंटीग्रेटेड 18 रूट्स। ये डालेंगे ये। अब यहाँ पे आता है कि बिल सेंट्री वाली पोजीशन के यहाँ पे हम टैक्स का लेजर आता है तो हम क्या यहाँ पे परचेज का अलग से लेजर बनाएंगे? जी नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर के अंदर आपको अलग से परचेज का कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डालेंगे बस सीधा आप ओके कर देंगे। यही मेन डिफरेंस है RCM एंट्री की, RCM परचेज की एंट्री। तो जी आप देखते हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ का, देखते हैं जी। ये गया इम्पैक्ट हम गए डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आप गए स्टेचरी रिपोर्ट्स GST और GSTR2। ये देखिए जी हमने जो अभी एंट्री की थी ये मेरी यहाँ पे आ गई, मेरी कैश परचेज की वह एंट्री जिसके ऊपर मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 720 रुपए।
ये देखिए यही यही मेरी वो एंट्री है, तो यही वो मेरी एंट्री है जिसके ऊपर मेरे टैक्स की लायबिलिटी है। और ये इसने दिखा दिया, देखिए कि मैंने वहां पे टैक्स की एंट्री तो की नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मेरी यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी दिखा रहा है कि मेरा सेंट्रल टैक्स जो है वो 360 और स्टेट टैक्स इतना, जो टोटल टैक्स है मेरा 720 रुपया है और मैं इनवाइस वैल्यू 4000 रुपीज है। यहाँ पे इसने उसको ले लिया है। अब आगे एक और एंट्री करते हैं, अब की बारी एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो था लोकल का, और अब की बारी एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम सेंट्रल का, कि सेंट्रल के अंदर मेरी एंट्री कैसे होगी। मैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर का, ठीक है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी बना दिया था तो ये ऐसे ही लेके चल रहा है, कोई नहीं। देखिए अब मैं यहाँ पे एक पार्टी बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा राजू सोलवाइन, मैंने राजू सोलवेंट के नाम से एक ये अपना पर्ची वेंडर क्रिएट किया है। मैंने इसको डालूंगा सेंड्री क्रेडिटर्स, यस, और ये देखिए बिल बाय बिल मैं इसको करूंगा यस राजू सोलवेंट यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको मैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर हूँ तो हरियाणा की पार्टी तो मेरे लिए लोकल होंगी और बाहर की जो पार्टी है वे मेरे लिए सेंट्रल होंगी। तो दिल्ली की पार्टी है मेरे लिए यहाँ पे सेंट्रल होगी, ठीक है। आप जिस भी स्टेट में हो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वो आपका जो भी आप एड्रेस डालेंगे ना उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा भाई आपकी परचेज सेंट्रल है या लोकल है, ठीक है। अब इसके साथ आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर जीएसटी जब आपका ये डील अराउंड उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना पड़ता है, इसको हमने अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एंट्री करते चले और यहाँ पे दिल्ली, अब मैं इसको परचेज सेंट्रल लूंगा। परचेज सेंट्रल को मैंने कैसे डिफाइन किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा आरसीएम परचेज सेंट्रल 18%, ये देखिए जीएसटी एप्लीकेबल यस, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको यस किया अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे लिखा है मैंने इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, ये क्योंकि यह मेरा इंटरस्टेट परचेज है, क्योंकि मैं जो सेंट्रल परचेज है मेरी मैं इसलिए उसको इंटरस्टेट परचेज पे लेके चलूंगा। अगर यह मेरी लोकल परचेज होती तो मैं इसको परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल लेके चलता। अब मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेटेड टैक्स 18 कर दिया है, ऐसा ही आपने चलना है बिल्कुल उसी तरीके से। और अब यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल वही एंट्री लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी 5000 रेट 40 रुपीज, ये लो जी। इसमें भी आपको टैक्स की एंट्री नहीं करनी है जी, हाँ आपने कोई टैक्स की एंट्री नहीं करनी है। ये देखिए जी आपकी एंट्री हो चुकी है, जाके देखते हैं कहाँ, ये देखिए जी आप डिस्प्ले के अंदर गए रिपोर्ट्स GSTR-2, ये देखिए आपकी दो एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। पहली एंट्री राजू ये कैश की थी जो कि मेरी लोकल परचेज की थी, दूसरी एंट्री मेरी राजू सोलवेंट के नाम से एंट्री डाली थी। यहाँ पे मेरी देखिए क्योंकि यह मेरी दिल्ली की पार्टी थी इसलिए इसने मेरे उसको IGST मीन्स इंटीग्रेटेड टैक्स वाला पोर्शन शो किया है। दूसरा था मेरा सेंट्रल स्टेट टैक्स और इसमें SGST और CGST ये दोनों यहाँ पे इसने शो किए हैं। ऐसे ही ये देखिए बिल्कुल मेरी वो एंट्री के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कहाँ से, जब भी आप अपनी कोई भी पार्टी क्रिएट करेंगे उसके साथ जो भी आप स्टेट डाले वहां से ये उसको, और जो परचेज का लेजर होगा वहां पे अगर आपने इसको इंटरस्टेट शो किया है तो वहां से ये।
ठीक है, ये तो था जी परचेज की हम एंट्री कैसे करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनका एडजस्टमेंट लेंगे। पहले हम हमारी जो लायबिलिटी है वो इसने शो करके दिखा दिया कि हमारी इतनी लायबिलिटी है टैक्स की, और नेक्स्ट टाइम पे हम उतनी ही पहले इसको पे करेंगे पहले मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में इसी टैक्स का हम क्रेडिट लेंगे। यही रूल है, इसी का हम क्रेडिट लेंगे। जी हाँ, तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।